खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। शिवसेना ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। रोजगार के आंकड़ों पर शिवसेना ने साधा है निशाना। बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने सरकार बनने के बाद बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बेरोजगारी और जीडीपी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश में बेरोजगारी की ज्वाला भड़क उठी है। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 2017 और 18 में बेरोजगारी की दर 6.1% पहुंच गई। पिछले 45 सालों का ये सर्वोच्च आंकड़ा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का आश्वासन था और इस हिसाब से पिछले 5 सालों में कम से कम 10 करोड़ रोजगार का लक्ष्य पार करना चाहिए था, जो होता दिख नहीं रहा, और उसकी जिम्मेदारी नेहरू गांधी परिवार पर नहीं डाली जा सकती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कोई कितना भी निशाना साधे, लेकिन सरकार अपने काम से लग गई है। मोदी ने अपने मंत्रियों से काम का प्लान भी मांग लिया है। महीने भर में देना है 5 साल का ब्यौरा। मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने आज भी कामकाज संभाला है। कई पिछले हफ्ते ही कामकाज संभाल चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से अगले 5 साल का एजेंडा देने को कहा है। मोदी मंत्रिमंडल में 25 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कुल 58 मंत्रियों से पीएम मोदी ने 5 साल का प्लान मांगा है, जो उन्हें एक महीने में सौंपना है। साथ ही बीते 5 साल में विभाग में जो काम हुए हैं, उनकी जानकारी और लक्ष्य भी बताने को कहा गया है।